सुनीता संकरण बाद में उतना पहले तो टॉपिक समझ लो, लिख ले तुम्हारा ये संकरण। सुनीता मैंने कम से कम चार बार बता दिया इसका, दो बार को मैंने समझा दिया, दो बार को मैं दे दिया मैंने। इसका वो पी ए इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, पी जेड। कितनी बार करवाए वाले उदाहरण में ध्यान क्यों नहीं देते हो? ये उदाहरण मैंने कितनी बार समझा दिया इस संकरण का, और समझ लेना एक बार नहीं आए तो फिर तुम्हें ध्यान देके पढ़ा रहा है। अब देखो हाँ भाई साझा कर रहा है इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या साढ़े नौ बजे रोटी खा ली तुमने, उधर कितने कितने हैं नौ, मैंने क्या बताया था दो को पांच को आज का पूरा करने के लिए क्या करेंगे, ये ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले गए इधर और ऑक्सीजन लगा लेंगे तो चूर का उधर डाल रहा है तुम्हें ली बनने वाले कंपोटन क्या कहेंगे, यही तो होता है ऑक्सीजन से जब बन जिसमें एक ही परमाणु का योगदान होता है, एक कट गए। अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन का योगदान मिलते हैं मेरे ऑक्सीजन से जब बन की क्या शर्त है बेटा, तीन ऑक्सीजन से जब बन के निर्माण के लिए एक ही थी, ये ध्यान रखो ये हमारी है टेट्राहेड्रल इनको पता चल जाए। उपसह संयोजक बंध के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए आपके पास में, उपसह संयोजक बंध के निर्माण के लिए एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए परमाणु के पास, मुझे याद है ऑक्सीजन के पास भी है परंतु ऑक्सीजन ने इस कार्बन को ले लिया इस दूसरे को दे दिया, तो कार्बन के नीचे ध्यान रखो गैलन होती है नहीं, कार्बन में दाता कौन होता है कार्बन, ऑक्सीजन नहीं होती इसमें दाता। अब ये कार्बन किसको इलेक्ट्रॉन देगी की बात को देगी, तो मेरे पास ध्यान दे कार्बन का इलेक्ट्रॉन धातु के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, धातु के पास होते हैं रिक्त द्वि कक्षक, पढ़ा है मैंने तो धातु के तो रिक्त द्वि कक्षक और कार्बन का क्या भाग लेगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन कहाँ लगाता है अपना इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में देखा था तुमने पीडी में, वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ लगा देगा वो धातु के रिक्त द्वि कक्षक, और लगा करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका निर्माण करेगा सिग्मा, समझ में आ गई, इसमें तीन बंध है जिससे एक सिग्मा है और दो क्या है वायु, तो ध्यान रखे धातु कार्बोनिक में आबंधन का अर्थ क्या है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त द्वि कक्षकों के साथ पूर्ण अतिव्यापन करके कार्बन का इलेक्ट्रॉन सिग्मा बन रहा है, समझ में आ रही है बात। अब कार्बन के पास भी एक रिक्त द्वि कक्षक हो गया, बताओ कौन सा होता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है क्या होता है 2s2p2, ये होते हैं कार्बन के पास में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे है और बाकी के दो रिक्त कक्षक को उठाया इसका pz कक्षक खाली, तो कार्बन का खाली pz और धातु के कौन से द्वि कक्षक, समझ में आ रही है बात, इसका द्वि कक्षक इसका जो पी आएगा वो धातु के द्वि कक्षकों के साथ जब अतिव्यापन करेगा तो बनेगा पाई, क्योंकि वो अतिव्यापन कैसा होगा पांच अतिव्यापन होगा, एक चित्र आपके बना हुआ है देखो पेज नंबर 273 पे ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ बुक के कोने में, यहाँ देखो बुक के कोने में आपको एक चित्र दिख रहा होगा पेज नंबर 273 है, उसपे लिखी हुई एक लाइन समझ में क्या लिखा हुआ है, धातु कार्बोनिक में धातु और कार्बन में जो बंध होता है ये कह रहा है धातु से जो कार्बन में बंध है उसमें सिग्मा और पाई दोनों के गुण, सिग्मा के गुण तो है क्योंकि कार्बन का इतना इलेक्ट्रॉन दान किया है, पाई के गुण तो है क्योंकि धातु कार्बन के पास थ्री जेड कक्षक और धातु के पास भी थ्री कक्षक, समझ में आ रही है बात, तो सिग्मा और पाई दोनों के गुण होंगे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि कार्बोनिक में कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन जो मैंने तुम्हें बात बताई धातु के रिक्त कक्षक के दान करने से बनाएगा सिग्मा, ठीक है, और धातु के जो द्वि कक्षक है उनके इलेक्ट्रॉन और कार्बन का रिक्त पी जेड कक्षक, धातु के पास में तो द्वि कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन जैसे मान लो कि धातु के जैसे कोबाल्ट उसमें 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो ये धातु के जो d कक्षक के इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरीके से मैंने d कक्षक रखा, ये d कक्षक के इलेक्ट्रॉन किसके साथ में साझा करेंगे कार्बन का pz कक्षक के साथ, तो कार्बन का pz धातु के d कक्षक के इलेक्ट्रॉन वो तो बना लेंगे पाई 1
और धातु के खाली कक्षक जो है वो और कार्बन का इलेक्ट्रॉन वो क्या बनाएगा सिग्मा। इस प्रकार से बेटा कार्बन में और धातु में जो बंध बनता है धातु कार्बन में उसमें सिग्मा और पाई दोनों का बन। समझ में आ गई क्या बात। जैसे कि एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके बचा हुआ था इसी को अपन एक प्रभाव बोलते हैं सह क्रियाशीलता का प्रभाव। ठीक है इसे सह क्रियाशीलता का प्रभाव कहते हैं। अब सुनीता तेरा प्रश्न समझे एक बार द्वारा इस भारत को समझाते समझाते मेरे आदमी मान निकल जाएगी और तुम लोगों को ये बात नहीं समझ में। ठीक है 15 दिन से भी ज्यादा हो गए हमारे क्लास हो गए ने 15 दिन को 21 तारीख से होने लगे थी हमारे क्लास 21 से 8 तारीख के बाद बस हो गए समझ गए 20 दिन हो गए क्लास में चलते 20 दिन के अंदर तुम लोगों को ये छोटी सी चीज भी नहीं पा सकते। अरे कॉपर कितने नंबर पे आता है 29 नंबर पे आता है तो 9 और 2 नहीं होता 10 और कितना होता है 1। मोनिका क्या पूछ रही मैम CLO4 पे CLO4 परक्लोरेट पे बेटा इसका नाम है परक्लोरेट इसके ऊपर चार्ज होता है -1। ठीक है CLO4 वो तो ब्रैकेट के बाहर तुम्हें मिला था एक बार -1 चार्ज होता है ठीक है हाँ इसका समीकरण निकाल रहे हैं सुनिता हम मूल अवस्था ना दे रहे हैं इसके पीटी में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो 9 4s होंगे और ये होंगे और भी 9 इलेक्ट्रॉन है अंडे हो गए अंडे संदेह नहीं है तो कौन सा है प्रबल तो प्रबल है तो ये जो अवस्था बनाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इनमें नहीं कर सकता पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर यहाँ जगह खाली नहीं है अब उत्तर जीवन संख्या कितनी है 4 तो 4 में डी का कितना खाली चाहिए 1 खाली चाहिए 1 यदि 6 होती ना तो कुछ नहीं कर सकते मन को नहीं तोड़ सकते अगर इलेक्ट्रॉन एल युग्मित ना तो उसको आगे भेज सकते आराम से पर ह्यूमन कभी नहीं ये इतना तो दो खाली करवा लें तो ये खाली नहीं होगा तो केवल एक इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा डी में बचा हुआ है उसको क्या करके पी जेड में बना दो तो दे दो तो डी का एक खाली हो जाएगा ए एस का और पी के कितने हो जाएंगे 2 तो संकरण का उत्तर बेटा DS2 है। हाँ लेकिन आपसे का प्रश्न आप आ जाओ बेटा सभी बच्चे पेज नंबर 264 निकालो पेज नंबर 264 निकालने के बाद आपके बराबर आज किताब रखो कि साथ लेके बैठो घर पे बैठे नाश्ता लेके बैठे उससे बढ़िया प्रदर्शित समावेशिता का प्रकार समझाइए संरचना में तो पहला उदाहरण है मेरे पास 6 CrH2 कितने हैं 2 CO4 कितने हैं। सबसे पहले तो उपसह संयोजन संख्या का पता लगा कितनी दिख रही है तुझे उपसह संयोजन संख्या बोल मीनाक्षी 2 3 4 मैम के 6 क्वेश्चन में किसी में भी लास्ट में आयन नहीं लगा हुआ है तो हमें लगाना है बेटा तुम्हें लगाना है वो कई जगह क्या है मिस प्रिंट की वजह से है बाकी आयन शब्द जरूर लगेगा चेतन आयन लगेगा बेटा जरूर समझ रहा है आयन तो अपना नियम ही है कि आयन लगाना है और वो आयन कब लगाते हैं चेतन जब बड़े पोस्ट के ऊपर कोई चार्ज दिया होता है जब अंत में आयन शब्द होती है। ठीक है अब देखो हाँ भाई फटाफट दिमाग बढ़ाओ LIC बंधों में से एक बोलो LIC में अरे बंधनी कितनी है क्या बंधन कितनी है मित्रा आयन कितनी है पोस्टर के बाहर आयन पांच कितनी है जलीय कितनी है तो जल तो दिख रहा है पर बाहर कोई नहीं है इसके जल का नाम प्रदान किसके लगाओ भूल जाओ LIC अब बंधनी है अब आ जाओ इसमें ज्यामिति ज्यामिति त्रिकोण बने थे ज्यामिति बनाओ इस ज्यामिति बनेगी आराम से क्यों क्योंकि ज्यामिति की सरसी प्रोडक्ट है
इसमें एमजी डालोगे, बीए डालोगे, तो ये उनके साथ में जीएस को चला जाएगा। समझ गए? इस नीचे वाले में कितने की सही उत्तर का आंसर बताओ, प्लस एक वाला। अब तुम क्या करोगे, जब मैंने ब्रेक नंबर के जो उदाहरण पर एक ऐसे इसमें तुमने क्या सिखाया, इसमें तुमने मिला दिया बी ए सी एल, ठीक है। बी ए में चार्ज कितना होता है, प्लस दो, तो ये प्लस दो वाला बी ए बी एस को के साथ मिल जाएगा और नीचे बी ए एस ओ को के पीले रंग की पीपी आई मिलेगा, पीले रंग का अवक्षेप बनेगा बी एस ओ को। समझ में आ रही भाई, ये सबूत है मेरे पास। दूसरी, इसमें ऐसी चीज मिलाओ जिसके ऊपर चार्ज कितना हो, प्लस की। जैसे ए जी पढ़ा है, ए जी एल को की परमाणु के स्थान को लाया था करते, तो ए जी सी एल के साथ मिलकर के क्या बाहर चला जाएगा, ए जी सी एल। ए जी सी एल की विपरीत अवक्षेप किस रंग का होता है, श्वेत रंग। तो नंबर दो वाले में श्वेत रंग का अवक्षेप आएगा तो मुझे पता चल जाएगा सी एल कोष्ठक के बाहर। उस फर्स्ट वाले उदाहरण के अंदर पीले रंग का अवक्षेप आएगा तो मुझे पता चल जाएगा संकेत के बाहर। समझ गए? आयन समानता का प्रमाण लीजिए, जो बड़े कोष्ठक के बाहर होता है हमेशा अवक्षेप इसी का बनेगा। यदि तुम सपोज करो तुमने एक नंबर वाले के अंदर यदि तुमने एजीएम मिला दिया तो कोई गैस नहीं आएगा, कोई रंग नहीं आएगा, क्योंकि एजी के चार्ज कितना है, प्लस ए, ऐसो को कितना है, माइनस दो, तो जुड़ेगा ही नहीं इसके साथ। समझ गए? एजी को किसको बाहर निकालता है, सीएल, और बीए किसको बाहर निकालेगा, ऐसो को। समझ में आ गई बात, प्लस दो है तो माइनस दो वाले को देगा। अब बाहर हो ही जाता है जो कोष्ठक के बाहर, उसी का परिणाम मिलेगा, ठीक है। और कोई बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं तुम लोगों ने, जब मैं समझाती हूँ तुम जब बिताए। मोनिका मैम, प्रश्न छह का फिफ्थ क्वेश्चन बता दो, पेज नंबर लिख। मोनिका मोनिका पेज नंबर लिख, ऐसे क्वेश्चन सिक्स बहुत सारे हैं किताब में, पेज नंबर लिखो बेटा, कौन से क्वेश्चन सिक्स का फिफ्थ पूछना है तुम्हें। मोनिका पेज नंबर 275 पे सभी बच्चे 275 पेज नंबर निकालो, और इसने पूछा है 275 पे क्वेश्चन नंबर 6 का 5th बताना है ना, पर मैसेज और चले जाते हैं तुम्हारे 6 का 5th वाला। अच्छा, 5 का क्या है, नाम लिखना है इसमें आयु के सी पेंटाइनी 90 ओआई पर चेतन मैम, 3B बताना इसका, इसका थर्ड वाला, इसका तीसरा क्या है, डाई एमिन डाई कोन दो, ये वाला क्या बेटा, राहुल चेतन मैम ऊपर क्लास नहीं आ रही है, चेतन अभी मैं साथ में थे उसकी क्लास का मेरे पास कोई बार नहीं है बेटा, कहने से बिल्कुल नहीं मानते, मैंने बहुत बार कह दिया इनको, डेली कह के आती हूँ क्लास आओ, तो
क्या है इसका नाम बताओ सीधी लाइन भेज लो
चेतन क्या पूछ रहा है मैम 277 पेज पे 31वां और 32वां क्वेश्चन बता दीजिए सभी बच्चे पेज नंबर 277 निकालो ढंग के प्रश्न ये देखो जैसे इसने चेतन ने ढंग के प्रश्न पूछे सुने 31वां 32वां निम्नलिखित में सर्वाधिक स्थायी संबंध मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा स्थायी का कैसे पता चलेगा एक में बताया समझ में आ रहा है द्विदंतु कितने बनाएंगे दो समदंतु होंगे दो से ज्यादा बनाएंगे तो जितने ज्यादा धातु के साथ बंध बनते जाएंगे वो उतना ही स्थायी हो जाएगा क्योंकि फिर एक बंध को तोड़ना संभव है दो को चार चार को तोड़ना संभव है तो आप तुम इस उदाहरण में देखो इधर इसमें निम्न में सर्वाधिक स्थायी संबंध है स्थायी होकर इसमें बंध ज्यादा है एक में अगर सबसे पहले तो ये देखो द्विदंतु आ गया ना तो द्विदंतु वाला सबसे स्थायी त्रिदंतु देगा तो वो बहुत ज्यादा स्थायी होगा ठीक है इसमें बेटा सर्वाधिक स्थायी होगा तीसरा द्विदंतु वाला ठीक है अगर मान लेते तो सारे एक बंधु दे देगा जब कैसे पहचानना अगर इसको इस और की जगह ऑप्शन में कोई और आ जाता जैसे कार्बोनिल इसमें कैसे कार्बोनिल ले लिया और एक और दे रखा है तो ध्यान रख सबसे अधिक स्थायी होगा कार्बोनिल क्योंकि अपने किताब में स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बनी हुई है जितने प्रबल लिगेंड जुड़ेंगे समूह उतना स्थायी होगा दुर्बल जुड़ेंगे तो समूह अस्थायी होगा अपने प्रबल लिगेंड के नाम बताए CH3 वो NH3 CO और CN उसमें सबसे अधिक प्रबल कौन होता है CO कार्बन क्योंकि उसमें तीन तीन बंद होते हैं सिग्मा भी होता है पाई फिर NH3 होता है समझ में आने बात NO3 प्रबल लिगेंड NO3 प्रबल होता है ठीक है अब और देख 32वां प्रश्न और देख निम्नलिखित में दृश्य प्रकाश में अवशोषण की तरंगदैर्ध्य का दृश्य प्रकाश में अवशोषण की तरंगदैर्ध्य का सही क्रम क्या होगा बिना ध्यान दे बेटा तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करने के लिए सही क्रम पूछा है एक बार ध्यान से सुनेंगे मैंने आपको बताया था उस दिया था पूछा है दृश्य क्षेत्र को अवशोषित करेगा प्रकाश उसके लिए पूछा है इसे बेटा प्रबल लिगेंड क्या कर लेते हैं ह्यूमन कर लेते हैं पता है ना आपको जबकि दुर्बल लिगेंड ह्यूमन नहीं करते पढ़ा था तुमने दुर्बल लिगेंड इसलिए कहा जाते हैं ऊपर जाते हैं तो भूल से इसमें इसमें सबसे प्रबल जो लिगेंड अगर लिगेंड की प्रबलता का क्रम देखते हैं सबसे दुर्बल कौन है एक्वा H2 समझ में आने के बाद उसके बाद NH3 फिर उसके बाद NO NO भी प्रबल होता है लिगेंड वो तो अपने से पीपीटी में थे नहीं इसकी उदाहरण इसलिए मैंने कर पाई समझ गए तो वीक लिगेंड जो होगा वो नीचे ऊपर निकलता वो ऊपर जाता है तो दृश्य प्रकाश को जो वीआर बनाएगा तुमने उसको सबसे पहले क्रॉस करते हैं दुर्बल समझ में आ रही बात प्रबल को नीचे ऊपर करते रहते तो दुर्बल कौन है इनमें सबसे H2O तो सबसे अधिक तरंग देने के क्रम में कौन आएगा H2O समझ में आ गया उसके बाद आएगा NH3 लास्ट में कौन आएगा NO क्योंकि जो प्रबल होगा ना वो सबसे लास्ट में अवशोषण कर पाएगा देखो तुम्हारे इसमें आंसर आ रहा है पीछे देखो
बुक में जो तुम आंसर शीट देखोगे इसमें आंसर शीट भी है बुक में पेज नंबर 1296 का आंसर शीट उसमें देखने के लिए मिल जाएगा कह रहा है कि रासायनिक प्रतिक्रिया दो प्रकार है एक एक्स को सबसे ऊपर फिर एनएच3 एनओ2 एनओ2 को सबसे प्रबल लिखा है ठीक है तो अब देख तो प्रकाश की ऊर्जा कितने तरह की होगी एनओ2 किस तरह का तरंग देके क्या होता है इसका तो ये ध्यान रखो छोटी सी चीज तो गूगल इस एफपी आर और मैं अपने बनाई थी सी एफपी ऐसे मैंने तुम्हें क्या बताया था जो ये नीचे ऊपर क्या होती है पीजी तो इसको क्रॉस कौन करता है गूगल एक एंड करता है जो दुप्पल होगा ये दूसरा करंट दे के बताओ करंट दे के अंदर इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा प्रकाश को कौन अवशोषित करेगा चलो तो तीन लेयर के उदाहरण से दे रखे थे एनएसटी एनओ को एसओ से सबसे ऊपर है एसओ एसको वाला आएगा सबसे उसके बाद में इन दोनों में ये है दो नंबर पे तीन नंबर पे कौन है एनओ समझ में आ गई बात ठीक है ये हमने स्पेक्ट्रा साइंस के लिए एक बनी है उसको भी दिए हुए हैं ठीक है ये हो गया प्रश्न और बोलो अपनी प्रॉब्लम बोलो बराबर अभी चार मिनट और है प्रश्न पूछ ले लिखने में दिक्कत है देखो बुक में से जो टेस्ट पेपर थोड़ा ईमानदारी से करना मुझे ढकने की कोशिश मत करना तुम लोग ये नहीं है चीटिंग करके टेस्ट पेपर दे रहे हैं उसमें नुकसान तुम लोगों को क्योंकि मैं तो तुम लोग जब स्कूल आओगे जब ये तुम लोगों के शब्दों से बता दूँ तुम कितना आता है समझ में आ रही है बात इसलिए आराम से होने से रेस्ट लेना क्योंकि ईमानदार बोलो चेतन मैम डैन ओ और डैन टीम में हाँ बेटा एक चीज और सुनो मेरी बात ध्यान से डेल्टा टी और डेल्टा ओ वाला तो ना हमने तुमने करवाया नहीं अभी मैं तुझे बता दूँ देख डेल्टा टी और डेल्टा ओ डेल्टा ओ मुझे पता है कौन सा लगने वाला होगा और डेल्टा टी तो हमने वो जरूर से लगे समझदार इसके अंदर हमने टी की चीज बनाई ऊपर और नीचे कहाँ बनाई अब बेटा इसमें छोटा सा गणितीय संबंध भी होता है वो तुम्हें डायरेक्टली याद रखना आज सुन लो सपोज करो आज के टेस्ट में आया है तुमने उस डेल्टा टी का डायग्राम याद ये बनाया डी फंक्शन फिर तुमने उसमें डी फंक्शन का बनाई थी और ई जी का बनाई थी ई जी उसके अंदर 2/5 बनेगा वो बना था अष्टफल में तो 3/5 ऊपर बनता है 2/5 नीचे इसमें 2/5 ऊपर बनता है 3/5 उल्टा होता है सब कुछ तो बेटा इसमें क्या है छोटा सा संबंध डायरेक्ट याद 5 से 5 कट जाएंगे इसको स्क्वायर कर देंगे इसका ये ग्राफ डेल्टा टी का ग्राफ डेल्टा टी बराबर 2/4 करेगा तो कितना आएगा 4 3/4 करेगा तो कितना आएगा 2 डेल्टा ओ के बराबर होता है डेल्टा टी ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है छोटा सा गणितीय संबंध है अपने डेल्टा टी और डेल्टा ओ ठीक है हाँ मोनिका क्या पूछ रही है FeZn2 FeCN6 का क्या बताना है नाम बताना है Fe क्या लिख रखा है तुम्हें मुझे तो तुम्हारा लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा है Fe देख के बाहर कितने हैं बेटा दो दो प्रमाण तो रखे हैं तुम्हें देख जो मैंने बोर्ड पे लिखा है मुझे लग रहा है कि सही है क्या ये है क्या कभी भी ब्रैकेट के बाहर दो दो धनायन एक साथ नहीं आ सकते ये तुमने लगाए ना दो दो धनायन नहीं आएंगे कभी कहाँ देख लिया है ऐसा उधर इसमें ये नहीं आएगा कभी एक ही धनायन आएगा दो दो धनायन एक साथ नहीं होते बेटा अरे दो धनायन हो तो पास पास करा देंगे तो क्या करेंगे प्रश्न करेंगे कैसे करेंगे ठीक है इसका जरूर हो सकता है कि जिन अंदर का हेक्सा साइन हो पहले फिर ऑक्सीकरण करेगा मैं नोट्स में था वो नोट्स के अंदर मुझे सही पढ़ा नहीं होगा ये कोई नंबर डाल रखा होगा उसे कि पांचवे नंबर का या छठे नंबर का होगा बाकी एग्जाम्पल भी नहीं है बेटा और नोट्स में तुम्हें सही ढंग से दिखा नहीं होगा बाकी एग्जाम्पल ये कोई किताब का ही कारण ठीक है समझ गए तो नाम बात करेंगे कि ऑक्सीकरण देख एक जीव के ऊपर प्लस दो का है चार दो
ठीक है दीपक, 28वें का आंसर पीछे गलत है क्या? अभी देखते हैं 28वां प्रश्न क्या है बेटा। 28वां सीओ सीएलएच में कितने आए बनेंगे, मुझे आंसर नहीं पता, मैं तुझे बता दूंगी। एनएस कितने छह और ब्रेक के बाहर कितने हैं, दो सीएल, तू बता बराबर कितने हैं। मैंने कितनी बार तुम्हें बताया है दीपक, पोस्टक का कभी भी अलग से परिणाम नहीं है। इसमें देख कितने परमाणु है, छह ये, दो ये आठ, एक ये धातु दो है, दो परिणाम देंगे। इसमें पोस्टक का केवल और केवल एक ही बचा जाएगा, तो एक